अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी की भी तारीफ कर देने से सामने वाला खुशी होगा तो फिर मिलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने CJI ठाकुर को हैंडसम कहा तो कोर्ट में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन जस्टिस ठाकुर ने नाराज होकर कहा कि वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि बाद में विनती करने पर उन्होंने वकील को सुनवाई में मौजूद रहने की इजाज़त दे दी। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर अहम सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस TS ठाकुर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार कोलेजियम की भेजी गई लिस्ट को दबाकर बैठी है। चीफ जस्टिस नाराज होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उसी वक्त एक वकील ने कहा कि उन्होंने भी इस मुद्दे पर अर्जी दी है, वो भी कोर्ट में दलीलें देना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद वकील ने फिर से बोलना शुरू किया और कहा कि हम जस्टिस ठाकुर का सम्मान करते हैं, वह हैंडसम है। इस बात पर कोर्ट रूम में सब मुस्कुराने लगे। एक बार जस्टिस ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन दूसरे ही पल वो गंभीर हो गए। चीफ जस्टिस ने अपने कोर्ट मास्टर को कहा कि इस शख्स को बाहर निकाला जाए, ये मामला गंभीर है। हालांकि फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कोर्ट में सुनवाई तो सुन सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता इस संस्थान को खराब कर रही है। आज हालात ये है कि कोर्ट को ताला लगाना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट में पूरा ग्राउंड फ्लोर बंद है, क्यों न पूरे संस्थान को ताला लगा दिया जाए और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए।